ओके, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये तीनों चीजें मिला के इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, खासकर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल करेंगे उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस। अब जो नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइंस हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बेटा आपको एक वायर का भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है, यानी कि एक सिंगल वायर। यू वोंट बिलीव अभी, बट जब आप करेंगे तब आपको ये बात याद आएगी कि जो एक सिंगल वायर होती है वो वायर अपने आप में एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर तीनों की तरह से बिहेव कर रही होती है। तो उसके इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर तीनों कंपोनेंट्स का अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको जो तीन कंपोनेंट्स यहाँ पढ़ने थे उसमें से आज हम थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे, एंड दिस थर्ड कंपोनेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज द अदर टू। जो जो इंपॉर्टेंस आपने रेजिस्टेंस को पढ़ते हुए उसको दी टॉपिक को, जैसे आपने कैपेसिटर को पढ़ते हुए कैपेसिटेंस को इंपॉर्टेंस दी और ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से आपका इंडक्टेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंडक्टर कैसे बनता है, इंडक्टेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को कैसे समझ सकते हैं, आज हमने इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करनी है। तो इंडक्टर को समझने के लिए हमने जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इंडक्टर का बनाने की कोशिश की थी वो सॉलिनॉइड के थ्रू बनाने की कोशिश की थी। आज हम पहले इंडक्टर समझेंगे और इंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैप्टर को जितना हमने लास्ट टाइम तक किया था उतना पढ़ लिया होगा। पढ़ा है? यस ओके, चलो ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड द टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन। अब जब हम सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन बेसिकली है क्या? लिखें सेल्फ इंडक्शन, पहले स्टेटमेंट लिख लें फिर उसके बाद बात करते हैं। इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिंग करंट इन द कॉइल इटसेल्फ एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिंग करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। लेट्स से कि ये आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल की लेट्स से कि कुछ लेंथ है एल, एंड ओवर दिस लेंथ एल इट कैरी सम एन नंबर ऑफ लूप्स, यानी एन नंबर ऑफ टर्न्स। अब अगर बेटा इसको मैं एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूं और ये सोर्स मेरा वेरिएबल सोर्स, क्योंकि उसने बोला वेरिंग करंट, मैं यहाँ वेरिएबल सोर्स ले लूं और करंट को यहां से वेरी करते रहे। लेट्स से कि कुछ करंट आई इनिशियली एंटर करता है इस लूप के अंदर, तो इस लूप में ये आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज चलता हुआ दिखाई देगा, और जब आप यहां से देखेंगे तो दिस टर्न फ्रॉम दिस साइड बिहेव्स एज साउथ, और इसके जस्ट ऑपोजिट पीछे से इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले भी समझने की कोशिश की थी और इसको आज फिर यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो इतनी बात क्लियर है कि करंट आई जाएगा तो वो यहां पर एक क्लॉकवाइज सेंस ऑफ मोशन में मूव करेगा, तो ये लूप आपको एक साउथ पोल की तरह से दिखाई देगा और पीछे से देखेंगे यहां से तो ये आपको नॉर्थ पोल की तरह से दिखेगा। इतनी बात क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, अब फिर से वापस पुराने कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अगर एक करंट कैरिंग लूप हो और उसमें करंट
क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो तो वो साउथ पोल बनाता है, और उसके पीछे बनता है बैक साइड में उसका नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, ऐसे ही नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, ऐसा ही होगा ना? यस सर। ठीक है, तो यानी इससे पहले कि करंट ग्रो करे फ्रॉम इट्स जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, करंट ग्रो करे फ्रॉम इट्स जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर कुछ ईएमएफ सेटअप होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे करंट आगे की तरफ मूव करेगा उस ईएमएफ की स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। इट मींस एज द करंट ग्रोज, एज द करंट ग्रोज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑल्सो grows and consequently induced current will also grow। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो बेटा। नो सर। नो सर। यानी नॉर्थ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलनी शुरू होंगी, थोड़ा वीक होंगी, एज सून एज इसमें करंट सेटअप हो जाएगा, फिर इसमें करंट सेटअप होगा तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर एस्टैब्लिश्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां एस्टैब्लिश होगा इन अकॉर्डेंस विद लेंज़स लॉ, ये अपने ही कॉज को अपोज करेगा। यानी अगर एक्चुअल करंट की डायरेक्शन ये थी फ्रॉम दिस पोल टू दिस पोल, तो जो इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा आई, दैट इंड्यूस्ड करंट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट, और ये उसको लिमिट करने की कोशिश करेगा, उसको ग्रो करने से रोकेगा। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यानी कॉइल अपने अंदर ही एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कराता है जो कि अपने ही कॉज को अपोज करने लगता है। ठीक है? यस सर। ठीक है, लेकिन अपने ही कॉज को वो अपोज करेगा तो ऐसा करने के लिए उसे कुछ एनर्जी भी तो चाहिए। वो एनर्जी क्या होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे अभी, एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। बट अब हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि व्हाटएवर बी द मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टैब्लिश्ड इन द कॉइल, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अप्लाइड। होगा? Yes, sir. क्योंकि जैसे जैसे करंट ग्रो कर रहा है वैसे वैसे ईएमएफ ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे इंड्यूस्ड करंट ग्रो कर रहा है, और ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट किस पर डिपेंड करेगा यहाँ पर? फ्लक्स पे, क्योंकि हमने फैराडेज लॉज पढ़े थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना? Yes, sir. तो फाइ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं phi is equals to li, where l is coefficient of self induction। ठीक है, तो यहां से मैं induced emf निकाल लूं तो induced emf क्या होगा? induced emf e will be equal to minus of d phi by dt according to Faraday's and Lenz's second Faraday's second law and Lenz's law, this will be given by minus of d phi by dt, or aap isko likh sakte ho minus of d by dt of li, or aap isko aisa bhi likh sakte hain minus of l di by dt। theek hai? Yes, yes sir। तो अगर मैं यहां से L की SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो
एल की वैल्यू आपके पास होगी ई अपॉन डी आई बाई डी, ठीक है? यस सर, यस सर। ई को हम कैलकुलेट करते हैं वोल्ट्स में, सो वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर पर सेकेंड इज कॉल्ड वन हेनरी, और हेनरी को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? यस सर। एक बार फिर से बात करते हैं, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा से समझे, ठीक है, कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां डेवलप कैसे हुआ। हमने फैराडेज लॉज पढ़ा था, हमने फैराडेज लॉज में ये देखा कि इफ वी हैव अ कॉइल और उस कॉइल के थ्रू कुछ फ्लक्स, वेरिएबल फ्लक्स आप उसके थ्रू पास करवाओ, देन देयर विल बी, अगर फ्लक्स वेरिएबल है देन देयर विल बी सम करंट एस्टैब्लिश्ड इन द कॉइल एंड दैट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, है ना? अब यहां समझो क्या हुआ। अब सेल्फ इंड्यूस्ड कैसे हो रहा है, यहां पर आपने जो करंट इसको प्रोवाइड करा, वो वेरिएबल करंट जो आपने प्रोवाइड करा, जैसे जैसे वो इन कॉइल्स में सेटअप होता चला जाएगा वो ग्रो कर रहा है करंट। इसका मतलब इनिशियली मान लिया कि वो फर्स्ट कॉइल में एंटर करता है, तो फर्स्ट कॉइल में जैसे ही वो अपना लूप कंप्लीट करेगा तो यहां पर कुछ फ्लक्स एस्टैब्लिश होगा, तो इससे पहले के करंट आगे पहुंचे ऑलरेडी यहां पर क्या पहुंच चुका होगा, फ्लक्स पहुंच चुका होगा, तो उस फ्लक्स की वजह से यहां पर कुछ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा इस कॉइल में, विच इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लेंज़ लॉ, और वो डायरेक्शन क्या होगी, एक्चुअल करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी, तो वो अपने ही कॉज को यहां क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉइल्स के अंदर करंट सेटअप होता चला जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी बड़ा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा इट मींस फ्लक्स यहां पर वेरी कर रहा है, तो आगे आने वाली कॉइल्स के अंदर और ज्यादा सेल्फ इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। बट ये जो करंट आपने अप्लाई किया था, एज सून एज इट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये बात यहां पर गौर करने वाली है, एज सून एज आई रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इंड्यूस्ड करंट बिकम्स जीरो इंस्टेंटली, ठीक है, यानी जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा वैसे ही इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? यस सर। और इंड्यूस्ड करंट जीरो हुआ तो इसका मतलब फिर यहां पर सेल्फ इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, तो सेल्फ इंडक्शन भी नहीं होगी। तो सेल्फ इंडक्शन इज बेसिकली द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग अ करंट इन द कॉइल इटसेल्फ ड्यू टू वेरिंग करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ठीक है? यस। अब अगर इसका ग्राफ आपसे पूछ लिया जाए, तो वैसे ग्राफ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि करंट का ग्राफ टाइम के साथ बना दो, तो इनिशियली करंट ग्रो करता है अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये आई मैक्स होना चाहिए, और उसके बाद किसी एक टाइम पर वो मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे जीरो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? एक टाइम आएगा, देखो, रिपीट कर दो, देखो जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी इंक्रीज करेगा ना? यस सर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। हाँ सर। और एज सून एज इट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो करंट भी धीरे धीरे आपका इंड्यूस करंट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? यस सर, समझ आ गया। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, ठीक है?
ओके सर. तो SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हमने कर लिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज के ऑन व्हाट फैक्टर्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड डिपेंड्स. अब ये लॉन्ग सोलेनोइड है आपका, द फैक्टर्स ऑन विच L डिपेंड. अब कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा. अच्छा एक बात, अभी हमने यहां पे समझा कि फ्लक्स किसके बराबर है एल आई के, बट हमें ये भी तो पता है कि फ्लक्स एन बी ए के इक्वल होता है. ठीक है? यस सर. ठीक है ना. अब फ्लक्स अगर हमें ये पता है कि ये एन बी ए के इक्वल होता है और फ्लक्स एल आई के भी इक्वल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लॉन्ग सोलेनोइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई अपॉन एल. तो आपका फाइ इस केस में हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल हो जाएगा. यस सर. And if this is my first equation and this is my second relation, तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल. आई से आई कैंसिल आउट हुआ, सो सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाय म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल. तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न्स. लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, लार्जर इज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस. दूसरा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है. एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. ए जितना बड़ा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी. अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया ये जितना ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा, इट विल बी एबल टू कैप्चर मोर एंड मोर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. है ना? यस सर. उस पर्टिकुलर रीजन में जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो इसके थ्रू पास करेंगी, एंड मोर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मोर विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट. ठीक है? यस सर. And the next important thing is permeability. L is directly proportional to permeability. अब permeability यहाँ पर हम कौन सी ले रहे हैं? Relative permeability. क्यों ले रहे हैं relative? अभी हमने यहाँ देखा कि इस solenoid के अंदर, हमने इस coil के अंदर, we have not inserted anything. ठीक है? लेकिन अगर हम ये कहें कि ये एक air cooled solenoid है, तो इसके अलावा ये एक सॉफ्ट आयरन कोर्ड सोलेनोइड भी हो सकता था. मींस अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर डाल दूं और ये सॉफ्ट आयरन कोर के अक्रॉस वाइंडिंग हो रखी हो इसकी, तो सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रीइंफोर्स करेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी. तो एल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी. ठीक है? तो आई होप के सेल्फ इंडक्टेंस यहां से क्लियर है. यस सर. अच्छा एक चीज और समझ लें, जैसे हमने हेनरी लिया यूनिट, ठीक है, सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन हेनरी एंड वेबर आल्सो. ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट रिलेशन? हेनरी और वेबर के बीच में जो रिलेशन होता है, अगर मैं उसको निकालने की कोशिश करूं तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ फाइ इज इक्वल टू एल आई से. देखो जरा, फाइव इक्वल टू एल आई, तो एल किसके इक्वल हुआ? फाइव अपॉन आई. तो एल क्या होता है मेरा? वन हेनरी. ये कब वन हेनरी होगा? जब फाइव आपका वन वेबर होगा और करंट आपका वन एम्पियर होगा. सो वन हेनरी इज इक्वल टू वन वेबर पर एम्पियर. ठीक है? ठीक है बेटा. Yes. Yes. One Henry is equals to one Weber per ampere. अब ये तो बात थी बिल्कुल सिंपल सिंपल सी,
सेल्फ इंडक्टेंस को लेके, लेकिन अब इससे आगे क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ऑब्वियसली ये अपोज कर रहा है, तो अपोज कर रहा है तो कुछ एनर्जी तो चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी जो वहां पर ये एट द एक्सपेंस ऑफ दैट एनर्जी ये उस करंट को अपोज कर रहा होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. भाई आप किसी चीज को अगर अपोज करते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिक्वायर्ड होती है, विदाउट दैट एनर्जी आप किसी चीज को अपोज नहीं कर सकते। तो वो एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। बोर्ड रब कर दूं? Yes, sir. आप स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ वो मैं भेज दूंगा। ओके, फिगर ये भी रहेगी। तो हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर अगर हम बात करें तो जैसे वर्क डन की अगर मैंने बात करी तो वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा? अच्छा एक बात बताओ, पार किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। चलो dW by dt। लेकिन पार को हम लोग ei भी तो लिख सकते हैं। यस सर। vi लिखो या ei लिखो, है ना? तो बेटा dW by dt is equal to EI, जिसको आप लिख सकते हो L dI by dt into I, लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो यानी फाइनल रिलेशन मेरे पास आ गया dW is equal to LI dI, dt से dt तो कैंसिल आउट हो गया, बचा गया L I D I, है ना? Yes. तो इसको इंटीग्रेट कर दें। करंट अपनी मिनिमम वैल्यू से लेके कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक सेटअप हुआ, तो इस मैक्सिमम वैल्यू तक सेटअप करने में जो वर्क डन करना पड़ा वो था W is equals to half L I square. So this will be the energy stored in an inductor. ठीक है? Yes, sir. कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्या होता था? हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ सर। तो जो रिलेशन है ये रिलेशन कुछ कुछ उसी फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, हाफ एल आई स्क्वायर। C वहां पर होता था कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर की अपनी एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, है ना? और यहां पर L क्या है? इंडक्टर की अपनी एबिलिटी, सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी। वहां हम पोटेंशियल और चार्ज की टर्म्स में बात करते थे, यहां हम करंट की टर्म्स में बात कर रहे हैं। सो दिस इज हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है? यस यस। अब जैसे हमने कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, सेम उसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी इसकी भी निकाल सकते हैं। देखें, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इंडक्टर। अब एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए क्या करें? तो वर्क डन आपका आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है? अब अगर हाफ एल आई स्क्वायर हमारा वर्क डन है तो बेटा आई की वैल्यू मैं यहां से निकाल लू। आई क्या होता है? अच्छा बी की वैल्यू निकालते हैं। इस पॉलिनोमियल के लिए बी की वैल्यू क्या थी? म्यू नॉट एन आई, या फिर आप इसको लिख सकते थे म्यू नॉट एन आई बाय एल, ऐसा ही लिख सकते थे ना? यस सर। यस सर। तो आप आई की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन
म्यू नॉट स्मॉल एन, चलो एन बाय एल की जगह मैं स्मॉल एन ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? Yes. और एल की वैल्यू आपने अभी निकाली, ये रही म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है? तो दोनों वैल्यूज को अगर यहां पुट कर दें तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल इंटू आई की जगह मैं लिखूंगा बी अपॉन म्यू नॉट, और इसको भी एन बाय एल अगर लिखी दें तो स्क्वायर हो जाएगा यहां पर. सो दिस विल बिकम work done is equals to half mu naught n square a by l into b square l square mu naught square n square. So n square cancel out हो गया, l से l cancel out हो गया, तो work done आपके पास बच गया half. अच्छा mu naught से mu naught भी तो बढ़ गया, तो ये बच गया half a b स्क्वायर l अपॉन म्यू नॉट, यही बचा बेटा? यस सर, यस सर. ध्यान से देखो एरिया इनटू लेंथ को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम. यस सर. सो वर्क डन अपॉन वॉल्यूम जिसको हमने लिखा एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू हाफ b स्क्वायर बाय म्यू नॉट. तो एनर्जी डेंसिटी को मैं यहां पर यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है? यस. एक्सप्लेनेशंस आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटीज, ठीक है? एंड इवन इन सम रिफ्रेशर्स आल्सो दिया नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना. हाँ बेटा. सर एनसीईआरटी सर इसमें लैंग्वेज काफी कॉम्प्लेक्स है सर, और कोई बुक होगी जिससे पढ़ सकते हैं? कोई भी बुक ले सकते हो, एनी रिफ्रेशर, बट कॉम्प्रिहेंसिव इज द बेस्ट वन. एच सी वर्मा और एनसीईआरटी में ना ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, ठीक है? ओके सर. बोथ बुक्स आर the language of both books is such that के वो बहुत कम शब्दों में ना बहुत बड़ी बात कहती है, ठीक है? और बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात समझने के लिए आप लोग अभी उतने बड़े हो नहीं, समझ में आता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो बेटा कोई और रिफ्रेशर आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है? आप भी बता दो. मैंने बताया कॉम्प्रिहेंसिव आप यूज कर सकते, ठीक है सर? ठीक है. इफ इन केस के अब देखो अगर आप एकदम से कहोगे ना कि सर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव आप हमें प्रोवाइड कर दो, तो कॉम्प्रिहेंसिव का पीडीएफ नहीं मिलता, ठीक है? बड़ा मुश्किल है बुक का पीडीएफ मिलना. ऑल्दो कि ये बुक भी अगर आप बाहर मार्केट में सर्च करोगे तो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है. बट इफ इन केस के आप कहते हो कि सर वो पर्टिकुलर टॉपिक मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक जो जो आप मांगोगे वो आपके लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है? बट मुझे बता देना कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो मैं उसका आपको चाहे स्क्रीनशॉट भेजना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े वो मैं आपको अरेंज करवा. सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा क्लास के बाद. हाँ बेटा कर देना, ठीक है? तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ से क्लियर हो गया? यस सर. अच्छा आज जितने भी टॉपिक अभी हमने करे हैं इसमें से ये दोनों टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड द नेक्स्ट टू टॉपिक्स आल्सो जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ राइट नाउ. और इधर से इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से अभी हाल फिलहाल के लिए रब कर रहा हूं, और जो अगला टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स. अगेन द ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स इज नॉट in your course but competitive exam ke point of view se it is very important. Grouping of coils.
क्वेश्चन में इतना सब कुछ तो सब लोग कर लेते हैं कि भाई हमने जो कॉइल्स हैं उसको किस तरीके से हम अटैच करें या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल क्या होता है, इतना सब कुछ तो हर कोई कर लेता है। बट वो क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू और थ्री कॉइल्स आर कनेक्टेड इन दिस मैनर। अब हर कॉइल का अपना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिक इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L3, ठीक है, और आपने इसको एक सीरीज सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया। तो एक बात बताओ, इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा वो होगा E1, इसका EMF इंड्यूस E2 और इसका EMF इंड्यूस E3, क्योंकि तीनों के अंदर करंट एक ही डायरेक्शन में सेटअप होगा, तो तीनों का इंड्यूस्ड करंट भी एक ही डायरेक्शन में सेटअप होगा, होगा ना? Yes, sir. भाई एक्चुअल करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो इसमें इंड्यूस करंट इस तरफ सेटअप होगा I1, इसमें इस तरफ सेटअप होगा, इसमें भी इस तरफ सेटअप होगा, है ना? Yes, sir. और सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है, होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी गिवन बाय E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा। Yes, sir. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, L इक्विवेलेंट di/dt इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 di/dt। तो L इक्विवेलेंट इन दिस केस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। तो एक बात साफ हो गई, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स में इन सीरीज इंडक्टेंसेस उसी तरीके से एड अप होंगी जिस तरीके से रेजिस्टेंसेस एड अप होती हैं, ठीक है? Yes, sir. तो ऑब्वियसली पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर क्या होगा, पैरेलल में लेट से कि ये कॉइल, इसके नीचे एक और कॉइल, फिर एक और कॉइल, इन सभी को आपने एक ही सोर्स के साथ कनेक्ट किया, ये L1, ये L2, ये L3, ठीक है? तो अब क्या सेम था, वोल्टेज, वोल्टेज यानी क्या वेरी कर गया, करंट वेरी कर गया, यानी यहां से अगर कुछ करंट आ ही गया था तो इधर I1 होगा, इधर I2 होगा और इधर I3 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटीज ऑफ दीज इंडक्टर्स के कितना करंट ये ड्रॉ करेंगे। Yes, sir. तो आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt, ऐसा ही लिखेंगे। Yes. So this can be written as E/L equivalent is equal to E/L1 plus E/L2 plus E/L3, है ना? नहीं आया? E is equal to LdI/dt होता है, तो di/dt किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, E/L के इक्वल नहीं होगा? Yes, तो मैंने देखो बेटा, I आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3 था, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने के लिए di/dt को मैं क्या लिख सकता हूं, E/L लिख सकता हूं इन ईच केस। यस सर, यस सर। तो di1/dt को क्या लिख सकते हैं, E/L1, di2/dt को E/L2, di3/dt को E/L3, है ना? Yes, sir. तो फाइनली हमारे पास ये जो रिलेशन होगा ये होगा
1 by L equivalent is equals to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस तरह से रेजिस्टेंसेस ऐड होती थी, कॉइल्स की ग्रुपिंग भी उसी तरह से होगी, ठीक है? यस सर। तो ये टॉपिक क्लियर हो गए? यस सर। यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो बेटा अभी। नहीं तो ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स के ऊपर आपके एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स को करना हमेशा जरूरी होता है। जब भी कभी आप किसी भी मल्टीपल चॉइस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बात समझ लें कि ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन तो हमने पढ़ा, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? वैसे आप सब लोगों ने ट्रांसफॉर्मर सुना है, क्या होता है? यस सर। यस सर। ठीक है, डू यू नो द वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर? व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांसफॉर्मर और हम कहां कहां यूज करते हैं मालूम है? स्टेप अपर्स, सो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। आपने अपने घर में कहीं ट्रांसफॉर्मर देखा है? घर के बाहर होता है। नो सर, सर पावर हाउस में ग्रीन कलर का डब्बा लगा होता है घर के पास। घर के अंदर डब्बा लगा हुआ होता है? नहीं, घर के बाहर जस्ट ब्लू कलर का हट सी बनी होती है। अच्छा, वो हट बनी हुई है? नहीं। अच्छा देखो, बाहर तो होता ही है ट्रांसफॉर्मर, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है। बट जो आपने अभी बोला स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये आपके घर में ही है, सभी के पास है, ऑलमोस्ट सबके पास, मेरे पास नहीं है। जिन लोगों के घर में एसी है उन सबके घर में ट्रांसफॉर्मर है। आप सबके घर में एयर कंडीशनर होगा, ठीक है? और एयर कंडीशनर के साथ एक बॉक्स लगा हुआ होता है, एक छोटा सा बॉक्स जिसको आप वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हो। कहते हो? यस सर। वो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है। दूसरा, वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके घरों में सबके घर में है, मेरे पास भी है एक, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में तो है। टीवी, टीवी के अंदर भी वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। और आप सोचो कि कितना आसान है ना हमारे लिए कि बोर हो रहे हैं, चलो यार एक काम करते हैं टीवी ऑन करते हैं, ठीक है? और रिमोट पकड़ के लग गए सारे दिन। कभी अगर आप उसके पीछे की टेक्निकलिटीज को समझने की कोशिश करो तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ कि कई बार ऐसा लगता है कि शायद इन सब चीजों को समझने में एक जीवन जो है ना वो कम पड़ जाएगा। मैंने जब टीवी टावर में ट्रेनिंग की थी, अपनी मेजर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग अपने फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो मैंने टीवी टावर में की थी, तो वहां पर हम लोगों ने ट्रांसमिशन कैसे करते हैं वो सीखा था। और फाइनल ईयर से पहले सिक्स्थ सेमेस्टर में हमारे पास एक सब्जेक्ट था
टीवी इंजीनियरिंग। आपको शायद जान के हैरानगी होगी, आप अपने घर में कितनी वोल्टेज इनटेक करते हो, कितनी वोल्टेज आती है आपके घर में? 220 वोल्ट, ठीक है, सभी के घर में 220 वोल्ट आ रही होती है, ठीक है। लेकिन आपके टीवी को, अगर आप अपने टीवी के स्क्रीन पे एक सिंगल ब्राइट स्पॉट देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो एक सिंगल ब्राइट स्पॉट देखने के लिए, एक पूरी फिल्म नहीं, एक पूरा स्क्रीन नहीं, एक सिंगल ब्राइट स्पॉट भी अगर आप देखना चाहते हो, तो आपको कम से कम 23,000 से लेके 25,000 वोल्ट रिक्वायर्ड है, और घर में आती कितनी है? 220 वोल्ट। उस 220 वोल्ट को 22,000 से 25,000 के बीच में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसफॉर्मर ही करता है, और टीवीज के अंदर जनरली ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं। एक जो नॉर्मल आपका सीआरटी टीवी होता था आज से कुछ साल पहले तक, एक बड़ी सी कैबिनेट वाला जो टीवी हुआ करता था, आजकल तो फ्लैट टीवीज आ गए हैं, वो जो बड़ी कैबिनेट वाला टीवी होता था, या आजकल अभी भी किसी किसी के घर में पीसी के जो मॉनिटर्स होंगे, ठीक है, वो बड़े वाले मॉनिटर्स होंगे सीआरटी, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ये जो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते हैं, ये आज भी वर्क करने के लिए कम से कम 25,000 वोल्ट इसको चाहिए ही होता है। ऐसे वाले टीवीज को अगर आप 3 घंटे की पिक्चर इसके ऊपर देखते हो, तो इसके अंदर इंस्टेंटेनियसली इतनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड होती है कि 60 वॉट का बल्ब आप कुछ देर तक जला सकते हो, ठीक है, तो ऑफ कंडीशन में भी, मतलब आपने उसको ऑफ कर दिया बट उसके कैपेसिटर्स के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर है कि एक 60 वॉट का बल्ब आप उससे जला सकते हो। तो अब आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गन जो उसके पीछे लगी हुई थी, उसको वर्क कराने के लिए इतनी ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो ये काम कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। लेकिन उस 220 को 25,000 वोल्ट में कन्वर्ट करने के पीछे जो फिनोमेना है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन एग्जैक्टली होता है, समझें, लिखें पहले तो, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल due to the varying current in the neighboring coil. So, can you please repeat? It is the phenomena of production of induced EMF in one coil due to the varying current in the neighboring coil. अब इस सर्किट को ध्यान से देखो, जैसे ही आपने इस की को क्लोज किया, ठीक है, तो इस वाली कॉइल के अंदर कुछ करंट सेटअप हो जाएगा ना? यस सर। और अगर मैं इनिशियली ये मान लू बेटा कि ये सेकेंड कॉइल यहां एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, सेकेंड कॉइल यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या हो रहा होगा? इसमें से कुछ करंट सेटअप होगा एंड कॉन्सिक्वेंटली कुछ फ्लक्स बनेगा, और उस फ्लक्स की वजह से कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी यहां पर डेवलप होना शुरू हो जाएगा ना? यस सर। अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस में यही वाली चीज पढ़ी थी। अब आप क्या करो, एक कॉइल
बिल्कुल इसकी क्लोज विसिनिटी में ले आओ। ये आपकी प्राइमरी कॉइल थी, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल हो गई, ठीक है। यानी आपकी प्राइमरी कॉइल का जो ईएमएफ है वो अब किसके थ्रू मूव कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मूव कर रहा है ना। Yes, so there will be some induced EMF in the secondary coil also. Yes, sir. So the phenomena due to which the rate of change of flux is responsible for inducing an EMF and consequently some current in the neighboring coil due to the varying current in the first coil is called mutual induction. ठीक है? Yes. Now these two coils are magnetically linked with each other. Physically linked नहीं है, they are not in physical contact with each other. ऐसे नहीं है ये दूर दूर पड़ी हुई है, but इतनी close vicinity में है कि इसका flux इसके अंदर enter कर जाए और यहां पर कुछ induced current develop करवा दे, ठीक है। Yes, sir. तो यहां पर भी जो आपका फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, और आप इसको लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू एम आई, वेयर एम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो पहले ये वाली कॉइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, माने कि ये कॉइल है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉइल ले ली और इसको मैंने एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जैसे इसमें करंट एस्टैब्लिश होगा तो देयर विल बी सम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट ना, होगा। अब ये तो इसी के अंदर था, हमने क्या करा, एक दूर पड़ी हुई कॉइल को हम पास लेके आ गए एंड अल्टीमेटली ये कॉइल इसकी एक क्लोज विसिनिटी के अंदर आ गई। अब क्लोज विसिनिटी में आते ही इस वाली कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया। Yes. और ये वही बेसिक आइडिया इज द फैराडेज लॉज, फिर से। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर फिर से अगर एक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एस्टैब्लिश हो जाता है इन अ कॉइल विच इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द सर्किट, तो यहां पर भी कुछ इंड्यूस ईएमएफ होना लाजमी बात है, होगा। यस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, वेयर द टू कॉइल्स विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बट दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड विद ईच अदर एंड दे बोथ हैव सम म्यूचुअल इंडक्शन इन each of them due to each of them, ठीक है। Yes, sir. अब क्या होगा, अब एक concept apply करते हैं यहां पर, देखना। पहले primary की वजह से secondary के अंदर कुछ EMF induce हुआ और ये EMF मैंने कहा कि अपनी maximum value तक established हो गया, आप इस key को open कर दो, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. जैसे आपने इस की को ओपन करा तो ये करंट बंद हो गया यहां से, लेकिन ये वाली कॉइल के अंदर तो कुछ ईएमएफ रहेगा ना। Yes, sir. जो कि उसके अंदर इंड्यूस हुआ था और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू होगा। इन द मीन वाइल अगर आप इस बैटरी को हटा दें और इसको शॉर्ट कर दें ऐसे, तो अब ये सेकेंडरी हो जाएगी और ये प्राइमरी हो जाएगी, क्योंकि इसका फ्लक्स अब इसमें एंटर करना शुरू कर देगा, ठीक है। यस यस सो अल्टीमेटली देयर विल बी म्यूचुअल इंडक्शन। एक बार ये प्राइमरी बन के ये सेकेंडरी बन जाता है, फिर ये प्राइमरी बन के ये सेकेंडरी बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, हम जैसा भी उसको यूज करना चाहें, बट अभी हाल फिलहाल के लिए हमने इसी को प्राइमरी और इसको सेकेंडरी माना था और ये हमारा सोर्स था जिससे कि करंट हमने प्रोवाइड किया, ठीक है बेटा। तो phi is equals to I और phi is equals to MI, तो SI unit फिर से
हेनरी ही होगी और हेनरी को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे. सो वन हेनरी इज अगेन वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर पर सेकेंड. कैसे? ईएमएफ किसके बराबर होगा? डी फाइव बाई डी टी, यानी माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी. तो आप इसको क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम आर. तो अल्टीमेटली E is equal to minus of m di by dt. तो m की वैल्यू फिर से यानी यूनिट फिर से 1 हेनरी which is equal to 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड. ठीक है बेटा? Yes sir. ठीक है. Now the next is the factors on which mutual inductance depends. Factors on which mutual induction depends. अच्छा मान लो कि मेरे पास दो कॉइल्स हैं, ये नहीं, ठीक है, ये मेरी प्राइमरी कॉइल विद np द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये मेरी सेकेंडरी कॉइल विद ns द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. p का मतलब है यहां पर प्राइमरी, और इसको हमने एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको हमने एक लोड के साथ कनेक्ट कर दिया. अच्छा किसी ने भी पूछा व्हाट इज दिस RL? RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस. लोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आपके एसी के अंदर आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर से आउटपुट किसको जा रही है? एसी को जा रही है ना, उसके कंप्रेसर को जा रही है ना, तो दैट कंप्रेसर इज द लोड, ठीक है. आपका जो मोबाइल आप चार्ज करते हो, ठीक है, तो वो चार्जर को जब आप अपने फोन से कनेक्ट करते हो देन दैट फोन इज कॉल्ड द लोड, वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. तो वट एवर बी द कॉम्पोनेंट विच इज बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग करंट इज कॉल्ड द लोड, ठीक है, उसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है. यस सर. यस सर. अच्छा अब हमने जो बात करनी थी वो क्या थी? कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसका फ्लक्स इसमें जाए, तो ध्यान से देखना, फ्लक्स इन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी इज इक्वल टू एन बी ए, है ना, भाई फ्लक्स एन बी ए होता है ना. मैं कह रहा हूं फ्लक्स इन सेकेंडरी किसकी वजह से होगा? प्राइमरी की वजह से होगा. फ्लक्स इन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी, तो यहां पर जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? नंबर ऑफ टर्न्स तो सेकेंडरी के ही होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो प्राइमरी का हुआ ना. यस, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी विल बी गिवन बाय म्यू नॉट एन प्राइमरी इनटू आई अपॉन एल, ऐसा ही होगा. यस सर. तो इसको अगर मैं यहां डाल दूं तो फ्लक्स इन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी विल बी म्यू नॉट एन एस एन पी ए I upon L, ठीक है बेटा? Yes. So similarly, अगर मैं कहूं flux in primary due to secondary, फिर से MBA होगा, लेकिन अब magnetic field secondary की होगी, number of turns primary के अपने होंगे, तो phi PS will be equal to mu naught एन एस एन पी ए आई अपॉन एल. क्लियर है? यस सर. सो वी कैन कंक्लूड दैट फ्लक्स इन पी ड्यू टू एस इज इक्वल्स टू फ्लक्स इन एस ड्यू टू पी. यस सर. यस. ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन पी ड्यू टू एस इन टू आई इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन एस ड्यू टू पी इन टू आई. आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो
म्यूचुअल इंडक्टेंस इन पी ड्यू टू एस इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन एस ड्यू टू पी. ठीक है बेटा. यस यस बट डायरेक्शन तो अपोजिट होगी. होगी ना. यस सर. मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे बट ईएमएफ की डायरेक्शन तो दोनों में ही अपोजिट होगी. ठीक है. यस आप वैसे कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ पीएस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ. ठीक है. तो पहली तो बात ये आ गई कि ये ऐसे दोनों इक्वल होंगे. तो फैक्टर्स कौन कौन से थे जिस पर वो डिपेंड कर रहे थे. तो दोनों की वैल्यू सेम है. किसी भी एक को मैं दूसरे के साथ अगर कंपेयर कर दूं तो देखो मान लो कि मैं यहां कंपैरिजन कर दूं कि m दोनों इक्वल है तो मैं इसको लिख रहा हूं एम आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एस एन पी आई ए अपॉन एल. तो i से i कैंसिल आउट हो गया. So m is equals to mu naught ns np a upon l. तो बात वही आ गई कि mutual inductance is directly proportional to the product of the number of turns, है ना? Yes sir. Yes sir. ठीक है. और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा. वो एरिया पे डिपेंड करेगा. Yes, sir. और तीसरा परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा. यानी अगेन किसी भी एक के अंदर अगर हमने इंसर्ट किया होता कोई और मटेरियल, कोई और मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन कॉयल कोर निकल कॉपर, ठीक है, या रॉड ऑफ एल्यूमिनियम, कुछ भी अगर हमने डाला होता जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता, रीइंफोर्स करता, बढ़ा देता. ठीक है. तो इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी वहां से बढ़ जाता. ठीक है बेटा. यस सर. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोफिशिएंट, सॉरी द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस. इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर. नो सर. दूसरी बात, यहां तक ईएमआई का पार्ट खत्म हुआ. अगला जो पार्ट है वो लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा था जहां पर बेटा हमने सीखा था कि किस तरह से हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन बना सकते हैं. अब अल्टरनेटिंग करंट की जब हम बात करते हैं, जैसे कि हम, मैंने अभी आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट जो कि आपको आपके घर में मिलती है, या पोटेंशियल या वोल्टेज कितना मिलता है, तो आपने बोला 220 वोल्ट्स. आपको पता है ये 220 वोल्ट्स क्या होता है? क्या ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, क्या ये एवरेज वैल्यू है, या फिर ये कुछ और है? तो मैं आपको बता दूं कि 220 वोल्ट्स एक वर्चुअल वैल्यू है. ये रियल वैल्यू आपको वोल्टेज की नहीं मिल रही. सो 220 वोल्ट्स इज अ वर्चुअल वैल्यू. तो रियल वैल्यू क्या है? तो नेक्स्ट क्लास में हमने करंट की इन्हीं तीनों चीजों के बारे में बात करनी है कि वर्चुअल वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू क्या है, और एवरेज वैल्यू क्या होती है, और इनके मतलब क्या है. और ये अगले तीनों टॉपिक से जो रिलेशंस बनेंगे, छोटे छोटे रिलेशंस हैं, जैसे V इक्वल टू आई आर एक छोटा सा रिलेशन था, ऐसी एक रिलेशन है I इज इक्वल्स टू आई वी इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट टू. ठीक है. ऐसे ही I एवरेज इज इक्वल्स टू टू आई नॉट बाय पाई. ये छोटे छोटे से रिलेशंस हैं, लेकिन ये रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपको ये रिलेशंस ना आते हो तो एसी का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. और अगर आपको ये रिलेशंस अच्छे से आते हैं और लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी आ जाए तो एसी के 8 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता. ये बात तय है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. यस सर.
दूसरी बात, परसों टेस्ट 1 बजे, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म को छोड़ के। ओके सर, एमसीक्यू होंगे ना? हाँ बेटा, हाँ सर, हाँ बोलो बेटा। सर मैं टेस्ट देंगे, टेस्ट नहीं दे पाएगा, कोई बात नहीं सर, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। कौन? तो एंजेला स्कूल का टाइम है। अच्छा, वो कोई बात नहीं बेटा, बाद में अटेम्प्ट कर लेना, मैं फॉर्म को क्लोज नहीं करूंगा, आप बाद में अटेम्प्ट कर लेना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ओके।